हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे वेब पे जोनी सर्विसेज डॉट कॉम पर स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं नील जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। तो फिर प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हमारे वेब पेज पे आना है। यहाँ पे यूजफुल लिंक्स का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारे यूजफुल लिंक्स जो रहे थे वो यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको जीएसटी लॉगिन करके है वहाँ पे क्लिक करना है। ये आपको जीएसटी के साइट पे लेके जाएगा। यहाँ पे फिर आपको लॉगिन करना है, मतलब जिस क्लाइंट का आपको फाइल करना रहेगा तो उसका लॉगिन करना है। यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी डालना है। फिर पासवर्ड डालना है। फिर यहाँ पे जो नीचे कैप्चा दिख रहा है वो आपको टाइप करना है। फिर लॉगिन क्रिएट, लॉगिन पर क्लिक करना है और फिर ये आपका लॉगिन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे रिटर्न डैशबोर्ड पे आना है। तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर 1920 और अभी मेरा मार्च का रिटर्न पेंडिंग है जो नील ही है, तो वो मुझे फाइल करना है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा मार्च का है तो मैंने मार्च सेलेक्ट कर लिया। फिर आपको सर्च में क्लिक करना है। अभी आपको GSTR-3B भरना है मुझे, तो यहाँ पे प्रिपेयर हियर करके जो है प्रिपेयर ऑनलाइन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको कुछ क्वेश्चन ही पूछेगा, उसके आपको जब जैसे उसके यस आर नो में आपको सिलेक्ट करना है। तो अभी फिलहाल मेरा जो रिटर्न है वो नील है, तो मैं जैसे नील सिलेक्ट करूँगा तो बाकी सारे ऑप्शन जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। और अगर आपका कुछ डेटा रहेगा जीएसटी का तो वो आप, जैसे कि आपका सपना आप गुड्स रहेगा तो आप यहाँ पे यस और नो कर सकते हो। फिर जैसे जैसे आपका रहेगा बी सी डी ई क्वेश्चन में जो पूछा है वो आपको अप्लीकेबल रहेगा तो फिर आपको यस सिलेक्ट करना है, नहीं तो आपको नो सिलेक्ट करना है। तो मेरे केस में नील है तो यहाँ पे मुझे सिर्फ यस सिलेक्ट करना है, तो बाकी सारे जो ऑप्शन है ये सारे हाइड हो गए हैं, ब्लॉक हो गए मेरे लिए। तो फिर मुझे नेक्स्ट करना है, तो ये सीधा मुझे सबमिशन का ऑप्शन देगा। जैसे मैं सबमिशन का ऑप्शन यहाँ पे आपको क्लिक करूँगा तो ये एक OTP जनरेट करेगा जो मेरे ईमेल पे आएगा। हाँ, और आपको करना है फाइल GSTR-3B विथ EVC, ये मैंने कर दिया। और मुझे ये OTP आ गया रहेगा मेरे ईमेल आईडी पे या मेरे मोबाइल पे आ जाएगा, तो मैं अभी वो चेक कर लेता हूँ। ये मैंने मोबाइल पे चेक कर रहा हूँ। हाँ, आ गया है मुझे। तो अभी मुझे टाइप करना है यहाँ पे। ये OTP मैंने डाल दिया और वेरीफाई करना है। अभी ये मेरा नील रिटर्न तो इसके लिए मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको ओके करना है। आपका जीएसटी रिटर्न फाइल हो गया, ये आपको सिर्फ डाउनलोड करके आपके रिकॉर्ड के लिए रखना है। ये मेरा डाउनलोड हो गया। फिर आपको यहाँ पे जाके ये साइन आउट कर देना है, लॉग आउट कर दिया मैंने इसको। और ये हम लोगों का जीएसटी रिटर्न फाइल हो गया। होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। और हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको मैं लाइव दिखा दूंगा कि जीएसटी रिटर्न जो है डेटा जो होगा वो कैसे फिलअप करके रिटर्न फाइल करते हैं। तो वो मैं वीडियो ये आजकल मैं बना दूंगा। फिर हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।